बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक घर था जहां पति पत्नी रहते थे। दोनों की पूर्व विवाह से एक एक बेटी थी। दोनों अपनी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे। अपनी बेटी को कोई काम नहीं करने देती और उसकी हर बात मानती थी, जिससे वो बहुत आलसी हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ पति अपनी बेटी को हमेशा दूसरों की मदद करने की शिक्षा देता। और वो घर का सारा काम करते। पति की धीरे धीरे तबीयत खराब हो रही थी। तभी उसकी बेटी फैसला करती है कि वो शहर जाके काम करेगी और खूब धन कमा के आएगी। पिताजी, मैं शहर जाके कुछ काम करना चाहती हूँ ताकि आपका इलाज करा सकूं। मेरी प्यारी बच्ची, तुम जो काम करो उसे हमेशा ईमानदारी और पूरे मन से करना और सबकी मदद करना। जाओ जाओ, अपनी शक्ल तभी दिखाना जब कुछ पैसा कमा लो। और बेटी चली जाती है। वह चलती रहती है मगर कुछ नहीं मिलता। 2 दिन बीत जाते हैं मगर वह चलती रहती है। तभी उसे एक भूलने वाला पेड़ पुकारता है। बच्ची बच्ची, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मेरी सारी सूखी टहनियों को तोड़ दोगी? इसके बदले मैं तुम्हें कुछ अच्छा दूंगा। बच्ची पेड़ पे चढ़ जाती है। और सारी सूखी टहनियों को तोड़ देती है। धन्यवाद प्यारी बच्ची। वो अब फिर आगे चलने लगती है। थोड़ी देर बाद एक कुआं आता है और वो भी उसे बुलाता है। मेरी बच्ची, क्या मेरे से कुछ पानी निकालकर मेरी गंदगी धो सकती हो? इसके बदले कुछ अच्छा कर दूंगा। वो बिना कुछ सोचे कुएं से पानी निकालती है और उसे धो देती है। कुआं फिर से चमकने लगता है। वो अब फिर आगे चलने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे एक तंदूर अपने पास बुलाता है। ओ लड़की, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं जगह जगह से टूट गया हूँ, क्या तुम मुझे ठीक करोगी? बदले में तुम्हें अच्छा दूंगा। लड़की मिट्टी लेकर आती है और उसमें पानी मिलाकर तंदूर की दरारें भरती है और तंदूर एकदम ठीक हो जाता है। लड़की फिर आगे चलने लगती है। रात होने लगती है। तभी उसे एक घर दिखाई देता है। वो वहां जाती है। उस घर में 5 परियां रहती थीं। बाहर बहुत अंधेरा हो गया है, क्या मैं आज की रात यहाँ बिता सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, मगर तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं यहाँ काम की तलाश में आई हूँ। यह बहुत अच्छी बात है,
तुम यहाँ काम कर सकती हो। घर में 5 कमरे हैं, तुम्हें हर दिन 5वां कमरा छोड़कर 4 कमरों की सफाई करनी है। और याद रहे, 5वें कमरे को कभी भी भूल से भी नहीं खोलना है। लड़की रोज 4 कमरों की सफाई करती। इसी तरह 1 माह बीत जाता है। लड़की मन लगाकर वहां काम करती है। माह पूरा होने पर परियां उसे सोने के सिक्के देती हैं। क्या तुम्हारा मन कभी 5वां कमरा खोलने का नहीं करा? आपने मना किया था, इसीलिए खोला नहीं। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है कि हमें हर काम पूरी ईमानदारी और साफ मन से करना चाहिए। परियां यह सुनकर प्रसन्न हो जाती हैं और लड़की को 5वें कमरे में लेकर जाती हैं। वो कमरा खोलती है। कमरे में चारों तरफ सोने चांदियों के ढेर थे। लड़की, तुम इस ढेर पर लोटो और जितनी चीजें तुम पर चिपकेंगी वो तुम्हारी हो जाएंगी। लड़की ढेर पर लोटती है और उस पर जो भी चिपकता है वह उसे लेकर वहां से चली जाती है। रास्ते में उसे फिर से तंदूर मिलता है। तंदूर ने लड़की के लिए रोटी और केक बनाए हुए थे। लड़की उन्हें खाती है और फिर आगे चलने लगती है। आगे चल के उसे कुआं मिलता है। उससे वो पानी पीकर अपनी प्यास बुझाती है और फिर से आगे चलने लगती है। आगे उसे पेड़ मिलता है। वो उसे मीठे फल देता है। लड़की उसे खाती है और आगे चलने लगती है। थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुंच जाती है। वो अपने पिता से मिलती। दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी पत्नी दुखी हो जाती है। एक मामूली सी लड़की इतना धन कहां से ला सकती है? उसके मन में लालच आ जाता है और वो अपनी आलसी बेटी को काम के लिए बाहर भेजती है। आलसी लड़की काम की तलाश में निकल पड़ती है। रास्ते में उससे जो भी मदद मांगता है वो उसे इनकार कर देती है। पहले पेड़, फिर कुएं,
और फिर तंदूर को। फिर उसे वह घर दिखता है जहाँ 5 परियां रहती हैं। वो अंदर जाती है और परियों से काम मांगती है। परियां उससे साफ सफाई का काम देती हैं। लेकिन आलस के कारण वो कोई काम ठीक से नहीं कर पाती। एक दिन परियां घर से बाहर थी और आलसी लड़की को 5वें कमरे में क्या है ये जानने की उत्सुकता थी। वो वहां जाती है और देखती है वहां केवल मक्खियां थीं। और मक्खियां उसे काट लेती हैं। वह परियों के आने का इंतजार भी नहीं करती और वहां से भाग जाती है। रास्ते में उसे भूख लगती है मगर तंदूर केक देने से मना कर देता है। कुआं पानी देने से और पेड़ फल देने से इनकार कर देता है। आलसी लड़की थकी और जख्मी हालत में घर पहुंचती है जहां उसकी माँ सोने और चांदी का इंतजार कर रही थी। अपनी बेटी की हालत देखकर निराश हो जाती है। देख लिया आलस का नतीजा, सही नियत, ईमानदारी और परिश्रम ही किसी इंसान को सफलता दिलाती है। ये कहकर वह दोनों को वहां से चले जाने को कहता है। मोहन एक मूर्तिकार है जो सालों से मूर्तियां बना रहा है। मोहन काफी प्रसिद्ध था इसलिए दूर दूर से लोग उसकी मूर्तियां खरीदने आया करते थे। मोहन का बेटा था मदन। मदन अपने बाबा से मूर्तिकारी की कला सीख रहा था। बाबा ये देखिए ये आंखें कैसी है। ठीक है पर ये और बेहतर हो सकती है, मैं फिर से कोशिश करता हूँ बाबा। मोहन के वहाँ से जाते ही मदन का दोस्त विष्णु वहाँ आया। क्या आंखें बनाई है यार तूने, कमाल है। तुझे ये आंखें अच्छी लगी? अच्छी क्या, बहुत अच्छी। मुझे तो लगता है तेरे बाबा भी ऐसी आंखें नहीं बना सकते। पता नहीं, बाबा को जब मैंने ये आंखें दिखाई तो उन्होंने बोला कि और भी ये बेहतर बन सकती है। तेरे बाबा ने अब तक तेरी कभी तारीफ की है जो अब करेंगे? तू उन्हें छोड़, मेरी सुन, कमाल की आंखें हैं। अगर तेरा काम हो गया है तो चल मेले में जाकर तेरे छोटे छोटे मूर्तियां बेचते हैं। अरे मैं तो भूल ही गया था आज मेला है। मैं हूं ना तुझे याद दिलवाने के लिए। मदन और विष्णु सारी छोटी छोटी मूर्तियां लेकर मेले में चले गए। मूर्तियां, छोटी छोटी मूर्तियां, कलाकारी ऐसी कि देखते रह जाओगे, आओ आओ। विष्णु की आवाज लगाते ही काफी भीड़ इकट्ठी हो जाया करती थी
और देखते ही देखते सारी मूर्तियां बिक जाया करती थी। ये देख, तेरी मेहनत की कमाई। अगर अभी भी तुझे लगता है कि तू अच्छी मूर्तियां नहीं बनाता तो दोस्त तू गलत सोच रहा है। अगर अच्छी मूर्तियां ना हो तो लोग इतने अच्छे दाम क्यों देंगे? वो भी है। जब भी मदन कोई मूर्ति बनाता उसके पिता मोहन उस मूर्ति में कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लिया करते थे। ये मूर्ति तो ठीक है पर इसके हाथ थोड़े और मोटे होते तो और बेहतर दिख सकती थी। ठीक है बाबा, मैं अगली बार याद रखूंगा। ये नुक्स निकालने का सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। मदन जब भी अपने बाबा को कोई मूर्ति दिखाता तो उसमें उसके बाबा नुक्स निकाला करते थे। एक दिन की बात है, मदन ने एक खूबसूरत नर्तकी की मूर्ति बनाई थी। बाबा, ये मूर्ति कैसी है बाबा? अच्छी है, बस नर्तकी के बाल और लंबे बन सकते थे। ठीक है बाबा। उस दिन उनके घर एक बहुत रईस सेठ आया जिसे अपने नए घर के लिए मूर्ति खरीदनी थी। वो सेठ मोहन की बनाई हुई सारी मूर्तियां देख रहा था और तभी उसका ध्यान मदन की बनाई हुई मूर्ति पर गया और बस वो मूर्ति उसे भा गई। मन तो यही मूर्ति चाहिए मोहन भाइयों। जैसी आपकी इच्छा सेठ जी। उस सेठ ने मोहन को अच्छे खासे पैसे दिए और मदन की बनाई वो मूर्ति खरीद ली। सेठ के जाने के बाद, बाबा आपको तो उस मूर्ति में कमियां दिखी थी, फिर वो मूर्ति सेठ को कैसे पसंद आ गई? और आपकी सारी मूर्तियां एकदम सही है तो इसमें से एक भी सेठ को क्यों नहीं पसंद आई? देखो बेटा, जरूरी नहीं जो मूर्ति सेठ को पसंद आए वो सबको पसंद आएगी। तुम्हें ऐसी मूर्तियां बनानी है जो तुम्हें भा जाए, जिसमें तुम खुद भी कमियां ना निकाल सको। इतना बोलकर मोहन वहां से चला गया और हमेशा की तरह वहां विष्णु आया। अरे, तेरी वो नर्तकी की मूर्ति कहाँ है? वो बिक गई। बिक गई तो तुझे खुश होना चाहिए ना, तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं? एक सेठ आया था, उसने बाबा की सारी मूर्तियां देखी, फिर मेरी नर्तकी की मूर्ति देखी और वो उसे पसंद आ गई। सेठ ने मूर्ति के लिए अच्छे खासे पैसे दिए और मूर्ति ले गया। ये तो अच्छी बात है। सेठ के जाने के बाद मैंने बाबा को पूछा कि सेठ को आपकी मूर्ति ना पसंद आकर मेरी मूर्ति क्यों पसंद आई? फिर तेरे बाबा क्या बोले? बाबा बोले, जरूरी नहीं कि जो मूर्ति सेठ को पसंद आए वो सबको पसंद आएगी। मूर्ति ऐसी बनाओ जो तुम्हें पसंद आए। मुझे लगता है ना, तेरे बाबा तेरी कला से जलने लगे हैं। आज के बाद तो उनसे पूछना ही मत। देखते हैं। उस दिन के बाद से मदन ने कभी अपने बाबा से उनकी राय नहीं मांगी। वो खुद मूर्तियां बनाता गया और बेचता गया। कुछ साल में उसके बाबा की तबीयत खराब होने लगी। उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। उनका आखिरी समय नजदीक था। उन्होंने अपने बेटे मदन को बुलाया। तू हमेशा सोचता होगा ना कि मैं तेरे काम में नुक्स निकालता हूँ, तुझे शायद बुरा भी लगता होगा। आप ये सब अभी क्यों बोल रहे हो बाबा? क्योंकि ये जरूरी है। मैं तेरे काम में नुक्स निकालता था ताकि तू अपनी गलती समझे और आगे अपने आप को सुधारे। अगर मैं पहले तेरी तारीफ करता तो तुझे लगता कि तू बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता है, तुझ में घमंड होता और तू और बेहतर मूर्ति नहीं सीख पाता। मुझे गर्व है बेटा, तू आज मुझसे भी अच्छा मूर्तिकार है। मदन ने अपने बाबा को गले लगाया और बस यही उनकी आखिरी यादें थी। मोहन जी गुजर गए। इस घटना को आज 20 साल बीत गए हैं। मदन का बेटा पवन आज मदन की जगह पर है। ये मूर्ति कैसी है पापा? ठीक है पर इसके होंठ ज्यादा बड़े नहीं है। मैं अगली बार याद रखूंगा। मदन बिल्कुल अपने पापा की तरह नुक्स निकालता है और पवन भले ही निराश हो पर वो अपनी गलतियों से सीख रहा है। ये सिलसिला शायद चलता रहेगा। शायद पवन भी अपने बेटे के साथ ऐसा ही करे। इस कहानी से हमें एक बात तो समझ आ गई, हर वो व्यक्ति जो हमें नुक्स निकालता है, हमारी गलतियां पकड़ता है, जरूरी नहीं कि वो हमारे बारे में बुरा चाहता है। इसलिए शायद संत कबीर कह गए हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थ, जो हमारी निंदा करता है
उसे अपने अधिकाधिक पास ही रखना चाहिए। वो तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है।